उठा एसीबी की टीम ने देर रात को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रेलवे के एक अधिकारी को 35,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों दबोचा है। जानकारी के अनुसार आरोपी घनश्याम शर्मा रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर यूडीएफटी के पद पर कार्यरत है, जिसने परिवादी से रेलवे में चल रही 8 पिकअप वैन के बिल का भुगतान करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। इसका सत्यापन एसीबी ने साल 2020 में कर लिया था और ऐसे में टीम में देर रात जाल बिछाकर मंगल अपार्टमेंट में आरोपी के घर पर दबिश देकर रिश्वत के साथ रंगे हाथों दबोचा। एसीबी को शक है कि इस मामले में अन्य अधिकारियों की भूमिका भी सामने आ सकती है, जिसकी भी लगातार जांच की जा रही है। आज रेलवे के सीनियर सेक्शन इंचार्ज घनश्याम जी को 35,000 रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों ट्रैप किया है। इनके ऊपर जो परिवादी का जो आरोप है, परिवादी का वैन गाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट्स के बिल का भुगतान से ये कमीशन के रूप में हर माह पैसे प्राप्त करते हैं, और परिवादी द्वारा नवंबर माह में शिकायत की थी, उसके बाद सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में रिश्वत की डिमांड प्रूव हुई थी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता योगेंद्र महावर कोटा से फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से देर रात को कोटा एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर रेलवे के एक अधिकारी सीनियर सेक्शन इंजीनियर घनश्याम शर्मा, जो कि जो वैन चलती थी रेलवे में, उसके बिलों के भुगतान की एवज में परिवादी से लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी, तो देर रात को 35,000 रुपए की रिश्वत के साथ इनको रंगे हाथों दबोचा। इसके पहले भी परिवादी से ये हर माह बिल का भुगतान करने की एवज में 10,000 रुपए लेते थे, लेकिन परिवादी इनकी इस हरकत से काफी परेशान हो गया, जिसके बाद उसने नवंबर 2020 को एसीपी में शिकायत दी थी, जिसके बाद एसीपी लगातार इस मामले को सख्ती से कार्रवाई में करती गई, लगातार सत्यापन करवाया गया और जो कॉल रिकॉर्डिंग है उनको भी इकट्ठा किया गया, जिसके बाद पर्याप्त सबूत होने के बाद एसीपी की टीम ने देर रात को परिवादी को, माफ कीजिएगा, जो आरोपी है घनश्याम शर्मा, उसको उसी के घर पर दबोच लिया 35,000 रुपए की रिश्वत के साथ में। ये कार्रवाई रात को 1 बजे तक लगातार जारी रही। अब जो एसीबी का जो एम है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि इस पूरे घोटाले में, पूरे भ्रष्टाचार के मामले में और कौन से रेलवे के अधिकारी लिप्त थे, उन पर अब एसीबी शिकंजा कसने जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो रेलवे अधिकारी को 35,000 की रिश्वत लेते दबोचा गया है और साथ ही काफी समय से एसीबी की ओर से जांच पड़ताल इस पूरे मामले की जा रही थी, उसके बाद अब सत्यापन करवाकर आरोपी घनश्याम शर्मा को घर पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया गया है।